हेलो गाइज, कैसे हो आप सब? आशा करती हूँ कि आप सभी अच्छे होंगे। आज हम बात करने वाले हैं सीटेट से रिलेटेड बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस जो कि आपका ईवीएस से रिलेटेड होने वाले हैं। तो गाइज, अगर आप भी किसी टीचिंग एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं जैसे सीटेट, केबीएस या फिर अदर टीचिंग एग्जाम, तो ये वीडियो और इसके सभी प्रश्न आपके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट होने वाले हैं। इसलिए आप वीडियो को बिना स्किप किए हुए एक बार लास्ट तक ज़रूर देखिए। तो चलिए गाइज, हम स्टार्ट करते हैं। आज का पहला टॉपिक है हमारा शेर। शेर को जंगल का राजा कहा जाता है और इसका रंग भूरा होता है। इसकी आयु लगभग 14 साल होती है। इसका अंकन अशोक स्तंभ और भारत के राष्ट्रीय चिन्ह वाराणसी जो कि सारनाथ से लिया गया है, इसमें शेर का अंकन मिलता है। और 18 पौंड ये मांस खाता है। 36 फीट ऊंची छलांग लगाता है। बिल्ली प्रजाति का एकमात्र जीव है। रेशमी गुच्छे वाली इसकी पूंछ होती है। यह 5 से 7 माह में दिखाई देती है, यानी शेर की जो पूंछ है वो 5 से 7 माह में दिखाई देती है। जन्म के समय बच्चे को शावक बोलते हैं। शेर के बच्चे को जन्म के समय हम क्या बोलते हैं? शावक बोलते हैं। और इसके बच्चे का वजन वजन जो होता है वो 2.5 से 3 केजी होता है। शेरनी और उसके बच्चे समूह में रहते हैं। सबसे बुजुर्ग शेरनी समूह की नेता होती है। नर बच्चे 2 से 3 सालों में समूह को छोड़ देते हैं और 8 शावक में एक ही जिंदा रहकर बच पाता है। यानी जो शेर के बच्चे होते हैं उनमें से लगभग 8 शावकों में से एक ही जिंदा रहकर बच पाता है। शावक जो होते हैं इनकी 1 सप्ताह में आंखें खुलती हैं और 3 माह में ये चलना प्रारंभ करते हैं। मनुष्य की तुलना में ये 6 गुना देख सकते हैं। यह अपने इलाके का निर्धारण अपने मूत्र के माध्यम से करते हैं। भारत में गिर राष्ट्रीय उद्यान आपका गुजरात में है। एशिया में शेरों का स्वर्ग कहा जाता है। और एक बार पेट भर के मांस खाने के बाद ये 18 घंटे तक सोते हैं। शेर की मूंछों की विशेषताओं के बारे में बात करें तो मूंछ का बाल इनका बहुत पतला होता है, जिससे ये दिशाओं का ज्ञान आसानी से कर सकते हैं। हवा से पत्तियों के हिलने और जीभ के द्वारा भागने से हिलने के जो आवाज़ होती है उसको आसानी से अंतर कर पाते हैं। इनकी देखने की क्षमता मनुष्य की तुलना में 6 गुनी होती है। किस किस की जो क्षमता है वो मनुष्य की तुलना में 6 गुनी होती है, तो शेर, बाघ और चीता की, और गिद्ध, बाज और चील की होती है मनुष्य की तुलना में 4 गुनी। और ये अपने मूत्र के माध्यम से अपने इलाके का निर्धारण करते हैं। जैसे कि शेर जिस क्षेत्र का या फिर इलाके में होता है वह दूसरे शेर को मूत्र की गंध से पहचान लेता है और अपने इलाके से उसे भगा देता है। इसकी दहाड़ यानी शेर की जो दहाड़ है वो लगभग 3 किलोमीटर तक सुनाई देती है। शेर का अंकन कहाँ पे किया गया है तो ये हम आपको बता चुके हैं। ये भारत के राष्ट्रीय चिन्ह जो उत्तर प्रदेश के वाराणसी में सारनाथ के स्तंभ को भारत का राष्ट्रीय चिन्ह माना गया है, जिसमें शेर का अंकन दिया गया है। अब हम आपसे बात करते हैं कि शेर से रिलेटेड जो क्वेश्चन है वो कौन कौन से बन सकते हैं। तो आपसे पूछा जा सकता है कि वह कौन सा जीव है जो शिकार को दफन करके भूख लगने पर उसे वापस से खा जाता है, तो वो है शेर। यानी ये 18 से 20 घंटे तो सोता है और मादा इसकी शिकार करती है और नर पहले उसको खाता है। और इसके अलावा एक क्वेश्चन और बनता है आपका कि एक शेर अपना मुंह कितना बड़ा खोल सकता है। तो शेर ज़्यादा से ज़्यादा लगभग 1 फीट तक अपना मुंह खोल सकता है। अगला क्वेश्चन जो बन सकता है वो ये है कि किस जानवर के बच्चे को शावक के नाम से जाना जाता है। तो शेर के बच्चे को हम शावक के नाम से जानते हैं और बाघ के बच्चे को भी हम शावक के नाम से जानते हैं। भेड़ के बच्चे को हम मेमना कहते हैं। खरगोश के बच्चे को बन्नी कहते हैं। जैसे ही कुत्ता के बच्चे को पिल्ला या पिल्ली कहते हैं। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट टॉपिक बाघ के बारे में। तो बाघ, ये प्रत्येक वर्ष 29 जुलाई को बाघ दिवस मनाया जाता है। यह भारत के साथ बांग्लादेश, मलेशिया, कोरिया का राष्ट्रीय पशु है। इसकी औसत आयु लगभग 26 वर्ष होती है। इसकी मादा का गर्भधारण काल 3.5 महीने का होता है। यह एक साथ 3 से 4 बच्चों को जन्म देती है। बाघ की अधिकतम आवाज़
18 हर्ट्ज होती है। यह 65 किलोमीटर की रफ्तार से दौड़ सकता है। बाघ 30 फीट लंबी छलांग लगा सकता है। बाघ 12 फीट ऊंची छलांग लगा सकता है। इसके बच्चे का वजन 500 ग्राम से 1500 ग्राम यानी डेढ़ से यानी आपका 2 किलोग्राम तक लगभग माना जाता है, 1.5 से 2 किलोग्राम, और आधा किलो हम कह सकते हैं। कभी कभी इसके बच्चे का वजन आधा किलो से 1.5 किलो तक हो सकता है। बाघ भारत का राष्ट्रीय पशु है। बाघ शक्ति एवं जुझारूपन का प्रतीक माना जाता है। इनके शरीर पर काली व पीली धारियां पाई जाती हैं, और बाघ के शरीर पर जो धारियां पाई जाती हैं वो मनुष्य के फिंगरप्रिंट की तरह से यूनिक होती हैं। पूरी दुनिया में सर्वाधिक बाघ अफ्रीका महाद्वीप में पाए जाते हैं। भारत में सर्वाधिक बाघ मध्य प्रदेश राज्य में पाए जाते हैं, इसलिए मध्य प्रदेश को टाइगर स्टेट के नाम से भी जाना जाता है। नेक्स्ट पॉइंट है, भारत में बाघों की दूसरी सबसे बड़ी जनसंख्या कर्नाटक राज्य में पाई जाती है। भारत में बाघों को संरक्षित करने के लिए 1973 में प्रोजेक्ट टाइगर प्रारंभ किया गया था। पूरी दुनिया में बाघों का शिकार व उनके अंगों का व्यापार पूरी तरह से प्रतिबंधित है। बाघों के समूह को क्या कहा जाता है? तो बाघों को इस समूह को हम स्ट्रीक कहते हैं। मांसाहारी जीवों में बाघ तीसरा सबसे बड़ा जीव है, जबकि यह बिल्ली प्रजाति का सबसे बड़ा जीव माना जाता है। पृथ्वी पर सबसे बड़ी आकार के बाघ जो होते हैं वो साइबेरियन बाघ होते हैं। बाघ के शरीर में सबसे मजबूत उसकी टांगें होती हैं। यह मरने के पश्चात कुछ समय तक अपनी टांगों पर खड़ा रह सकता है। इसके पैर का तलवा जो होता है वो गद्देदार होता है, और वे बिना आहट से अपने शिकार तक आसानी से पहुंच सकते हैं। यह पूर्णतः मांसाहारी जीव है, जिसका पसंदीदा भोजन जंगली भैंस, सूअर, हिरण आदि होते हैं। बाघ का वजन लगभग 363 केजी तक हो सकता है। ध्रुवीय भालू के बाद सभी मांसाहारी में दूसरे स्थान पर बाघ का सबसे बड़ा स्थान होता है। बाघ एक रात्रिचर जीव है। यह अपना अधिकांश शिकार रात्रि में करता है। इसकी दृष्टि मनुष्यों की तुलना में 2 गुना होती है। अब हम बात करते हैं कि बाघ से रिलेटेड कौन कौन से क्वेश्चन आपके एग्जाम में बन सकते हैं। तो आपसे पूछा जा सकता है कि निम्न में से किस किस जीव के दोनों कान बाहर की आवाज़ इकट्ठा करने के लिए लगभग अलग अलग दिशाओं में घूम जाते हैं। तो बाघ बाघ के जो कान होते हैं वो बाहर की आवाज़ इकट्ठा करने के लिए अलग अलग दिशाओं में घूम जाते हैं। और नेक्स्ट जो क्वेश्चन आपका बन सकता है वो ये है कि भारत में जो टाइगर प्रोजेक्ट है उसकी शुरुआत कब हुई? तो 1973 में टाइगर परियोजना की शुरुआत। नेक्स्ट टॉपिक हम बात करते हैं गैंडा के बारे में। तो ये स्थल मंडल पर दूसरा सबसे बड़ा और भारी जीव होता है। गैंडे की औसत आयु लगभग 50 वर्ष होती है। इसके सींग नाक के ऊपर पाया जाता है। यदि इसका सींग टूट जाए तो नया सींग आता है, और इसका सींग उसी तत्व का बना होता है जिस तत्व का हमारा नाखून। और गैंडा एक सींग का या फिर दो सींग का भी हो सकता है। इसकी मादा का गर्भधारण काल लगभग 16 माह का होता है। इसकी रफ्तार 15 किलोमीटर पर घंटे की होती है। इसी रफ्तार से भाग सकता है। चमड़ी की मोटाई लगभग 1.5 सेंटीमीटर होती है। यह शाकाहारी जीव होता है। गैंडे के झुंड को क्या कहते हैं? तो गैंडे के झुंड को हम क्रैश कहते हैं। काले गैंडे आपस में लड़ते रहते हैं। इसके नर की 50% मृत्यु लड़ने की वजह से होती है और मादा की 30%। इसका गर्भधारण काल 14 से 18 महीने का होता है। इसके बच्चे कितने समय में समूह को छोड़ देते हैं? तो इसके गैंडे के बच्चे जो होते हैं वो 2 से 4 साल में अपने समूह को छोड़ देते हैं। नेक्स्ट टॉपिक हम बात करते हैं जिराफ के बारे में। तो यह पृथ्वी का सबसे ऊंचा जानवर है। इसकी ऊंचाई लगभग 5 मीटर होती है, और आयु लगभग इसकी 25 साल होती है। यह एक दिन में सामान्य जिराफ 35 किलोग्राम पत्तियां खा सकता है। आनुवंशिकता का अध्ययन करने के लिए या फिर आनुवंशिकता का पता लगाने के लिए जिराफ पर किसने प्रयोग किया? तो लेमार्क ने प्रयोग किया। जब यह चलता है तब इसके एक तरफ के दोनों पैर पहले आगे बढ़ते हैं, इसके बाद दूसरी तरफ के दोनों पैर आगे बढ़ते हैं। इसकी मादा खड़े होकर बच्चे को जन्म देती है, और जन्म के 1 घंटे के पश्चात ही इसके बच्चे चलने लगते हैं।
नेक्स्ट टॉपिक हम बात करते हैं पेंगुइन के बारे में। तो यह जीव पक्षियों से थोड़ा अलग होता है। यह न उड़ने वाला पंछी होता है। यह पानी में तैर सकता है और यह बर्फीले इलाके में पाया जाता है। यह अंडे देता है। नर पेंगुइन अंडे की देखभाल करता है। यह सामान्यतः समूह में पाया जाता है। पेंगुइन एक मांसाहारी पंछी है जो अधिकांश समुद्री मछली को खाता है। यानी आपसे पूछा जा सकता है कि पेंगुइन कैसा पंछी है, तो ये मांसाहारी पंछी है क्योंकि ये मछलियों को खा जाता है और ये 33 मछली एक दिन में खा जाता है और यह कंकड़ पत्थर को भी खा सकता है। क्लाइमेट यानी जलवायु के स्थान को छोड़ के ये कहाँ पे पाया जाता है, तो ये दक्षिण अफ्रीका, न्यूजीलैंड, अंटार्कटिका, अर्जेंटीना, चिली और ऑस्ट्रेलिया में पाए जाते हैं। 25 अप्रैल को विश्व पेंगुइन दिवस मनाया जाता है। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट टॉपिक की। नेक्स्ट है व्हेल। तो यह पानी में रहती है और स्तनधारी जीव है क्योंकि यह बच्चों को जन्म देती है। ब्लू व्हेल पृथ्वी पर पाए जाने वाला सबसे बड़ा जीव होता है। यह फेफड़ों द्वारा सांस लेती है। इसकी आयु लगभग 90 वर्ष होती है। आपसे इसकी आयु से रिलेटेड एक क्वेश्चन बन सकता है। पूछा जा सकता है कि यह पानी में रहती है परंतु स्तनधारी है, इसकी औसत आयु लगभग 90 वर्ष है, तो वो कौन सा जीव है? ऑप्शन दिए हुए होंगे जैसे कि शार्क, व्हेल, मगरमच्छ, डॉल्फिन। तो आपका सही आंसर होगा व्हेल। व्हेल की आयु आपकी लगभग 90 वर्ष मानी जाती है और ये सर्वाधिक प्रशांत महासागर में देखने के लिए मिलती हैं। डॉल्फिन की बात करें तो डॉल्फिन आपका जल में रहने वाली स्तनधारी है और ये भारत की राष्ट्रीय जलीय जीव मानी जाती है। ये प्रयाग से हल्दिया के मध्य में पाई जाती है और इसे हम अंधी डॉल्फिन या फिर सूसू के नाम से भी जानते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है डॉल्फिन। तो इसके बारे में हम आपको बता चुके हैं लेकिन फिर भी बता देते हैं। यह पानी में रहती है और बच्चों को जन्म देती है, इसलिए स्तनधारी श्रेणी में इसे रखा जाता है। इसकी आयु लगभग 50 साल है। अंधी डॉल्फिन को भारत का राष्ट्रीय जलीय जीव माना जाता है। समुद्र में पाई जाने वाली डॉल्फिन को भारत का राष्ट्रीय जलीय जीव नहीं माना जाता, बल्कि प्रयागराज से हल्दिया के बीच में जो अंधी डॉल्फिन पाई जाती है, जिसे सूसू के नाम से जाना जाता है, इसी को भारत का राष्ट्रीय जलीय जीव कहा जाता है। नेक्स्ट टॉपिक की हम बात करते हैं। नेक्स्ट हम बात करते हैं मोर के बारे में। तो यह हमारा राष्ट्रीय पंछी है। इसे भारतीय राष्ट्रीय पक्षी के रूप में जाना जाता है। इसके पंख नीले व हरे रंग के होते हैं, या हम कह सकते हैं नीले और लाल भी होते हैं, नीले और पीले भी होते हैं। इसके सिर पर मुकुट पाया जाता है। इसकी औसत आयु लगभग 20 वर्ष मानी जाती है। यह प्रत्येक वर्ष अपने पंख छोड़ता है, नए पंख इसके आते रहते हैं। यह एक सर्वाहारी जीव होता है और शाकाहारी मांसाहारी ये दोनों प्रकृति का जीव है, इसीलिए हम इसे सर्वाहारी श्रेणी में रखते हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे वनस्पतियों के बारे में। तो फ्रेंड्स, अभी हम ये वीडियो आज यहीं तक रहने देते हैं। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो एक बार आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि आपके लिए ऐसे ही नोट्स हम डेली एक वीडियो के माध्यम से देते रहेंगे, जिसे आप नोट डाउन करके आप बहुत अच्छे से अपना रिवीजन कर सकेंगे। तो गाइज, आपको ये वीडियो कैसी लगी ये आप हमें एक बार कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं, और आपने अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक ज़रूर करें। धन्यवाद।